Hi friends, welcome to my Android videos. Friends, आज है सरस्वती पूजा और उसे देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो विद्या के जो देवी हैं उसका आज पूजा है हमारे यहाँ और उसे हम देखने जा रहे हैं। मेरे बचपन के जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पे जाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए वीडियो में। इस साल हमारे यहाँ 2 दिन पूजा किया गया है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो चलते रहिए, कल भी थे और आज भी है पूजा। किसी किसी जगह में कल पूजा ख़त्म हो गई और किसी किसी जगह में आज शुरू हो गई, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलते रहिए और उसके साथ साथ मेरे जो सपनों की जो सरस्वती देवी है उसे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं आज। और ये है अंचलि चौक, ये जगह आपको मेरे ब्लॉग में बार बार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जब भी कहीं पे भी मुझे जाना पड़ता है तो इस रास्ते से ही जाना पड़ता है, इस चौक से ही गुजरना पड़ता है। तो यही है रास्ता एक बाहर जाने के लिए, बाहर राइड करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोगों की इंतज़ार करेंगे। और आ गया निजू भाई, उधर है। और यही है हाई स्कूल जहाँ बचपन में मैं पढ़ा करता था। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे मैदान खाली है, क्योंकि कल ही यहाँ पे जो सरस्वती पूजा थे कल उन लोगों ने ख़त्म किए थे, मतलब कल ही पूजा किए थे। कहीं कहीं जगहों पे आज भी पूजा कर रहे, मतलब आज ही है। और जब भी कभी आप बाइक के साथ राइडिंग या कुछ स्टंट वगैरह करते हो तो हेलमेट यानी कि राइडिंग गियर्स मास्क भी है, मतलब ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, एक आप लोगों से सभी से, कि आप लोग जब भी आप बाइक राइड करें या कुछ करें बाइक के साथ तो राइडिंग गियर्स जरूर पहनें। रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि ख़राब था, ऑफ रोड था। लेकिन अभी यहाँ के जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन लोगों ने अभी रिपेयर किया रास्ता, तो बहुत ही अच्छा है, पूरे अच्छा काम किया उन लोगों ने। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे जो अपना जो ज़िंदगी के जो सरस्वती है, जो लाइफ पार्टनर, उसे ढूंढने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक साथ मिलकर ढूंढते हैं आज वो मिल जाए कि नहीं। वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्ताने कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगाने कब आएगी तू, सलिया आ तू सलिया। गाना काफ़ी ख़राब गाया है मैं मानता हूँ, और आप लोग सुर पे मत जाओ यार, सिर्फ फीलिंग्स पे ध्यान दो, फीलिंग्स पे, जो दिल की जो हाल है, दिल का जो हाल है वो सुनो भाई, सुर पे मत, सुर को मत सुनो इतना, ठीक है। और अब हम पहुंच गए हैं जलाघाट, जो कि यहाँ पे ही है मेरा बचपन का कॉलेज, गुजरा हुआ कल, और जहाँ पे मैंने डिग्री कंप्लीट किए थे। और आगे देखिए, ये बंदा तो फुटिया है, फुटानी से भूटान गवर्नमेंट की एक खासियत है कि वो उन लोगों का रूल इज़ रूल, मतलब रूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब अगर रूल कोई तोड़ेगा तो उसके सज़ा मिलेगा। तो देख ले गए आप पीछे, जो राइडर और पैसेंजर दोनों के साथ हेलमेट है, मतलब सेफ्टी गियर्स पास भी उन लोगों के लिए, और सेफ्टी गियर्स हमेशा उन लोग पहनते हैं। आप वहाँ पर जाओगे तो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो मैंने भी एक्सपीरियंस मिला भूटान नांगलम जाके। जो भी हो हमारे यह रूल फॉलो कौन करता है, कोई बात नहीं, जो करता है वो सो करता है और जो नहीं करता वो फाइन भरता है।
और मैं पहुंच गया हूँ मेरे जो कॉलेज थे बचपन की कॉलेज वो पहुंच गए हैं। और इस कॉलेज का नाम है बीबी किसान कॉलेज। साथ है बचपन का दोस्त जो हम दोनों ने यहाँ पे कॉलेज की जिंदगी बिताई है। और ये मेरे दोस्त, आपका नाम? मनोज दास। और क्या करते हो यहाँ पे आप? हाँ, जूनियर असिस्टेंट पे काम करता हूँ। बहुत ही खुश नसीब आदमी है ये, बचपन का दोस्त है ये। जो कि यहाँ पे ही जॉब मिला इसको, यहाँ पे ही स्टडी करके। तो